हमारी खबरों के साथ बने रहने के लिए IC24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की रियासत के अंतिम निजाम नवाब सर मीर उस्मान अली खान सिद्दीक थे। उन्होंने 1911 से 1948 के बीच हैदराबाद राज्य का शासन किया। जब तक कि भारत के द्वारा इसे हटा नहीं दिया गया, वो अब तक के सबसे धनी लोगों में से एक थे। 1937 में उन्हें टाइम पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया, जिसे इतिहास में पांचवें सबसे अमीर आदमी और अब तक के सबसे अमीर भारतीय के रूप में लेबल किया गया। कई खातों में उन्हें एक उदार शासक माना जाता है, जिन्होंने शिक्षा, विज्ञान और विकास का संरक्षण किया है। उनके 37 साल के शासन के बाद बिजली पेश की गई थी, रेलवे, सड़क और वायु मार्ग विकसित किए गए थे। उन्हें हैदराबाद शहर में कई सार्वजनिक स्थानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिसमें उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट और हैदराबाद उच्च न्यायालय में शामिल है। दो जलाशयों अर्थात उस्मान सागर और हिमायत सागर को उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ताकि शहर में एक और महान बाढ़ को रोका जा सके। तिब्बत की आजादी के मुद्दे पर भारत के रुख पर चीन विरोध दर्ज कराकर भारत को धमकी दे रहा था, हमारी फौज के पास इतना असला नहीं और लव लश्कर नहीं था, अगर माहौल बिगड़े तो चीन का सामना कर सके। हालत की नजाकत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कक्ष की स्थापना की और मदद की गुहार लगाकर रजवाड़ों की तरफ रुख किया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। राजा महाराजा ने हाथ खड़े कर दिए, शास्त्री जी मायूस हो गए। फिर अचानक हैदराबाद का ख्याल आया, हैदराबादी निजाम को हालत से रूबरू कराया तो तुरंत ही निजाम ने भारत की सेना को 5 टन सोना दिया। उनकी कुल संपत्ति उस समय अमेरिका की कुल इकोनॉमी 25% थी, अगर आज का हिसाब लगाया जाए तो लगभग $33.8 बिलियन होगी। उन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई और अपने आखिरी वक्त में एशिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे।